बारामूला की तरफ से मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ कि आपका जो ख्वाहिश थी और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में एक बार जो है वो हज पे जाए, वो कबूल हुई, आपको वहाँ का बुलावा आया। आज बारामूला से मैं बड़ी खुशी बताते हुए कि ऑलमोस्ट 1300 लोग जो है वो सिलेक्ट हुए हैं जो कि हज करने जा रहे हैं। पहली फ्लाइट में मुझे लगता है आप ही लोग होंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं। आप सबको मैं फिर से मुबारकबाद देते हुए ये भी कहूंगी कि हज जो है वो ऐसा मौका है जिसमें इंसान को हमेशा ये रहता है कि मैं ही आगे आगे रहूं, काबे के पास मैं ही पहुंचूं और सबसे पहले आगे रहूं। लेकिन आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि वहां पे औरों का भी ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरे जो अकीदतमंद लोग हैं जो हज करने की और ज़ियारत करने की उनको भी सआदत मिली है उनका भी ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं वो जरूर लीजिएगा। हमारे लिए भी, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारे खासकर जम्मू कश्मीर यूटी के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारी उम्मत के लिए भी दुआ कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है क्योंकि आप सब ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा दुआ की कबूलियत होती है, तो अपने साथ साथ हम सबको भी दुआ में याद रखिएगा। आज हम आपको जो भेज दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं या जो पासपोर्ट आप सबको दे रहे हैं, इंशाल्लाह सारे जितने भी फेजेस में हमारे यहाँ से लोग जाएंगे हज करने के लिए उन सबको भी देंगे। जो भी आपको हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी जरूरत होगी तो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोडल रहेंगे। आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन भी कम्प्लीट करा ली होगी, जो ब्लड चेकअप था वो भी करा लिया होगा। अगर कोई भी और भी इश्यूज हो तो हमारे नोडल ऑफिसर्स जो है वे हैं हमारे डीसी ऑफिस में, तो प्लीज आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मुबारक है। बारामूला से ऑलमोस्ट 1300 लोग जो हैं वो इस साल हज करने जा रहे हैं और इन सबका जो है हमने पहले वैक्सीनेशन करवाई, उनके हेल्थ चेकअप हमने 6 सेंटर्स रखे बारामूला में जहाँ इनका हेल्थ चेकअप भी हुआ और इनके साथ साथ हमने इनकी वैक्सीनेशन भी की। अब हमने फेस्ड मैनर में, क्योंकि पहला लॉट जो है वो 7 जून को जाएगा, उनके लिए हमने आज ये ऑर्गेनाइज़ किया है प्रोग्राम जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस भी उनको दे रहे हैं, साथ में उनके जो पासपोर्ट्स हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनको दे रहे हैं। एक हमने यहाँ पर एक कंट्रोल रूम नोडल ऑफिसर बनाया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर इनको कोई भी इशूज़ होंगे उनका हमने नाम वगैरह शेयर कर दिया है ताकि वो उनसे रब्ता करें।